यहाँ पर कहते हैं गंगा गीता गंगोत्कम कृत्वा पुनः धर्मना की विदेह वाच अमृत सर्वस्व विष्णु जो गंगा जी है जो भगवान श्री हरि के चरण से उस गंगा जी का स्नान करने पर आचमन करने पर जरूर पवित्रता पारक पवित्रता शुद्धता निर्मलता प्राप्त होती है, मुक्ति भी होती है। गंगा जी के जल में स्नान करने पर गंगा जी के आचमन करने पर जीव में शुद्धता पवित्रता निर्मलता आती है, मुक्ति भी होती है। परंतु उन गंगा जी में स्नान करने वास्ते गंगा जी रो आचमन करने वास्ते अपने घर अपने घरों कटे जाना पड़ी गंगा जी कटे जाना पड़ी। तो गंगा जी तो कोई अपन का नाम नहीं, क्या ही हमें देखो भाई अपने तिल लगी प्यास लगी प्यास लगी तो अपन कुआ कर जाओगे तो वो अपन का नाम नहीं अपन जाओ पड़ी कुआ कर इन्हीं तरह गंगा जी रे माने स्नान करो स्नान करवाओ सो पुण्य मिले पवित्रता प्राप्त रहे निर्मलता मन में आवे मुक्ति भी रहे सब खरी खरी बात है बिल्कुल। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि के चरणारविंद से भगवान के चरणों से गंगा जी निकली है वो तो जीवों को मुक्ति करने के लिए है। वेद शंकर भगवान का माता पर जो शंकर भगवान है मस्तिष्क माते बड़ी शीतल गंगा है जरूर है परंतु गंगा जी का कदा पर जाओ जाने नहीं जाने के उधर ऊपर रह गए तो केवल गंगा जी का देखना है वो जो फाड़ फाड़ है तो उनसे ही कोई पुण्य नहीं मिले उन्हें गंगा जी आचमन करना पड़ी घड़ी वो मार सर्दी रुदी ने घड़ी भूजनी बड़ी बड़ी शरीर में डुबकी लगाव जाने मन मान जी के हाँ हाँ के गंगा जी स्नान करिए और शुद्ध रह जाए अपन पाप माफ किया तो स्नान करो जान रही जान आचमन करो जान रही जब बात गंगा जी में तो जाने पर होगा डुबकी लगाने पर होगा आचमन करने पर होगा। जबकि श्रीमद भगवद गीता याद देने सुन के भाई आज श्रीमद भगवद गीता आज सबके घर में जय हो। गीता गंगोदकम पीतवा जो श्रीमद भगवद गीता आज घर घर के अंदर इसको अपन पास सकते हैं तब आप यहाँ गीता पाठ कर सको। पहली तक तो हिंदू है कि मुसलमान है तो सनातन धर्मी है कि और कोई है हिंदू कह नहीं मैं तो हूँ तो हिंदू हूँ तो मैं सनातन। अरे जब सनातन धर्मी कोई गीता नहीं पढ़ेगा वो अपने घर के अंदर रामायण आदि अपने धर्म शास्त्र को नहीं रखेगा तो फिर क्या कोई दूसरे रखेंगे पता नहीं कहाँ से इस तरह की लोगों के अंदर धारणा पर होगी। हाँ और दूसरे दूसरे जो जिनका कोई हिंग है कोई पूछे ऐसे ऐसे धर्मों का जो प्रचार कर रहे किताबें बांटते वे तो ले आगे बढ़ बढ़ ले ले उनका घर में रहते गीता और रामायण भागवत अपने जो शास्त्र है उनको ले ले रहे उनको घर में रखने में उनको संकोच क्या नहीं कि घर में भाग माँ भाग करो तो मत लड़ेंगे। अरे भाई माँ भारत के अंदर ये गीता है माँ भारत के ही विष्णु पर्व के अंदर ये गीता है। हाँ माँ भारत के घर में रहती घर में केवल जी में रख रही है कदी देव उन्हें पौना देखे बोली कदी उन्हें हमजीत बोली बच्चे द्वारा यदि कोई झगड़ा रहे वो दे दोष उन्हें शास्त्र माता दे यदि उन्हें अपने धर्म शास्त्र में जो ज्ञान है जो बोध है जो के लक्षण भी होना है विलक्षण विगुण यदि आपको आत्मसात करो तो कभी झगड़ा रहे को नहीं। तो केवल मतलब है कि गंगा जी में तो आपको जाओ गंगा जी करे उठे हिनान करो आत्मन करो जाने पुण्य आदि मिले जबकि ये श्रीमद भगवद गीता
वमो उद्गम पीतला पुनर्जन्म न विद्यते। और ध्यान दीजिए भाई, गंगा जी में तो जन्म आओ स्नान करियो कोई बात नहीं, डुबकी लगाई आत्मन करियो, जब तक तो छोटी भावना रहे हो गंगा मैया रहे हो न बात और खाया पाता है गड़ा गड़ा कोई थारो कोई मारो इधर उधर के करने लग जाते। और जो व्यक्ति वापस को व्यक्ति पाप होती पाप में हो जाता है। और यहाँ गंगा की गीता के अंदर जिसने गीता गंगोदकम पीतवा, जिसने गीता रूपी गंगा का ज्ञान, गीता ज्ञान रूपी गंगा का पान कर दिया, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका जन्म नहीं होगा वापस। जिसने गीता को यदि समझ लिया, गीता रूपी ज्ञान को यदि आत्मसात कर लिया, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका जन्म वापस नहीं। हाँ, जो जन्म लेंगे देखो तो सही है, तो ये शरीर का जो पाप है अच्छा बुरा ये वो भोग, परंतु वहां पर उसका जन्म वापस नहीं। सर्वो उपनिषदो गावो दुर्गा गोपाल नंदना पार्थ वस्त्र सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महाता। ध्यान देना, सर्व उपनिषदो गावो गोपाल या मेरा ये उपनिषद जो वेदों का अंतिम भाग है, वेदों के अंतिम भाग का उपनिषद कहते हैं। मैंने कई बार कथा में कहता हूँ कि हमारे वेदों के अंदर 100,000 मंत्र, कितने 100,000, उस 100,000 में से 80,000 मंत्र कर्म कांड है। जब एक ऐसा कर्म करोगे, ऐसा यज्ञ करोगे, ऐसा कार्य करोगे, तो तुमको यह रूप में और परलोक के अंदर ऐसा क्वालिटी ऐसे 80,000 और उनमें उनके बाद में फिर 16,000 जो मंत्र हैं, वो 16,000 कि भाई कड़ी तो उपासना करी, अड़ तो अनुष्ठान करी, ऐसो तो व्रत करी, तो थारे के पाप नष्ट करें, अड़ा अड़ा थारा कर्म और नाश करें, थारे मन शुद्धता आवे, पवित्रता आवे, तो वे 16,000 मंत्र वे आत्मा को शुद्धि के लिए उपासना कांड के रूप में। और पीछे रहे 4,000 कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के, और 4,000 जो है वो ज्ञान, जो 4,000 जो मंत्र हैं उन 4,000 मंत्रों को उपनिषद का। तो यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर गीता के माध्यम में कहकर बताते हैं कि सर्व उपनिषदों का वो जो वेदों का सार है उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। वेदांत उपनिषद को वेदांत कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग उसको वेदांत कहते हैं। परंतु जो शब्दों का अर्थ नहीं जानते ना, शब्दों के अर्थ को नहीं जानता वास्तविक, वो इसका दूसरे अर्थ लेता है, इसका उल्टा अर्थ पकड़ता है, स्वार्थ को बोलते ना, कहते हैं महाराज कोई कह रहा हो कि उपनिषद माने वेदांत, के वेदांत तो सुनो से ये ठीक हो कि हम भी हूं बालपना में हूं जवानी में हूं, पर तो थे तो खुद ही कह रहा हो वेदांत कि यूं उल्टो की बताओ, जबकि बिल्कुल साफ कहो कि भाई चिंते मपन मूर्ख में दौत नहीं रह रहे, वेदांत बिना गौत रहता वो कर रहता जन ज्ञान जन कथा में जाओ। देखो लोगों की माने उल्टा समझते हैं, अपने अपने अनुसार अर्थ ले लेते। जो उपनिषद है वेदों का अंतिम भाग है, उन वेदांत यहाँ पर कहते हैं सर्व उपनिषदों का वो होगा, उन सभी उपनिषदों को वेद के अंतिम वाक्यों स्मृति माता को उनको सबको गाय, वो सब गाय सर्व उपनिषदों का वो सब उपनिषद यहाँ पर गाय हो, और गोपदा गोपालन और उस गाय का जो वेदों का सार है उपनिषद
समस्त जो वेद हैं उन 1,00,000 मंत्रों का सार वहां पर 4,000 मंत्रों के अंदर पूरा निचोड़, और उन मंत्रों को 4,000 मंत्रों को उपनिषदों को वहां पर गाय का बछड़ा बना दिया और देवता को पालन बना, और उस गाय का दूध होने वाले कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। उस गाय का दुग्धा गोपाल नंदना और उस गाय का दूध दोने वाले श्री कृष्ण भगवान और पार्थो वर्त सुधीर भोक्ता, और उस दूध का पान करने वाले कौन है? अर्जुन जैसा बछड़ा पार्थो वर्त, जो अर्जुन रूपी बछड़ा है। सुधीर भोक्ता वो उस दूध का पान करने वाला दुग्धम गीता अमृतम महत्ता, वो इस तरह से इस गीता रूपी अमृत का महान जो अमृत है उस अमृत को वो पान करता है। दुग्धम गीता अमृत, इस गीता रूपी ज्ञान का ज्ञान देना, पूरे उपनिषद वेदों का सारे उपनिषद और उस उपनिषदों को गाय बनाना और उस गाय को दूध दोने वाले श्री कृष्ण भगवान है, और उस दूध का पान करने वाला अर्जुन जो जिज्ञासु है वो। और ऐसा यदि कोई दूध पीता है तो यहां पर बताया दुग्धम गीता अमृतम महत्ता, उस गीता रूपी अमृत का उस ज्ञान का पान करने पर वो अमर हो जाता है, वो जन्म मरण रूपी व्याधि से पार हो जाता है, वो महान अमृत को प्राप्त। ज्ञान देने सुनिए भाई, बहुत सुंदर गीता के इस माध्यम में बताया कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतमेको देवो देव की पुत्र देव, एकम शास्त्रम देव की पुत्र, एकमात्र यहां पर जगत के अंदर शास्त्र है, एकम शास्त्र देवकी पुत्र की, देवकी के पुत्र वासुदेव, उन देवकी के पुत्र वासुदेव के द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र शास्त्र है। ध्यान देना भाई, यहां पर इस जगत के अंदर देखो गीता का महात्म्य है, और महात्म्य के अंदर यदि कोई अतिशयोक्ति हो तो एक बुरा मत मानना, यदि मैंने आपने माने कोई गुण नजर आया, आपने माने कोई आपकी कीर्ति नजर आई, महिमा नजर आई, उन कीर्ति ने महिमा ने गुण ने देखने यदि मैं कोई गुणगान करने लगू स्तुति करने लग और पूर्ण स्तुति माने यदि कोई अतिशयोक्ति भी हो जाए तो अभी वहां पर बोला देखो हालांकि गुना नहीं माना इस चीज का, पुत्र के लिए पिता उनका भगवान, माता और पिता क्या है? भगवान भगवान है। परंतु यदि जो पिता है उन पिता की यदि दूसरे लोग उनकी कृति को देखते, उनकी कार्य को देखते, उनकी गर्मी को देखते तो क्या वो जो पुत्र मानता है क्या वो समझ में आता है? वो क्या वास्ता है वाला? परंतु उनका वो पिता है मानता है, भले लाभ अवगुण होंगे उनके लोगों की नजरों के अंदर, लोगों की नजरों के अंदर लाभ अवगुण होंगे, परंतु पुत्र के सामने पिता उनके सर्वस्व है। इसी तरह से यहाँ पर गीता शास्त्र के बारे में माध्यमिक की बात आई, यहाँ पर कहते एकम शास्त्रम देव की पुत्र के देव की पुत्र वासुदेव के द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र शास्त्र है। जगत के अंदर यदि कोई शास्त्र है तो देव जी के पुत्र वासुदेव द्वारा गाई गई ये श्रीमद् भगवद गीता ही है, क्योंकि शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्रम प्रायते इति शास्त्रम,
जो एकमात्र गीता का अनुशासन मानने से ही संसार सागर से त्राण मिल जाता है, इसलिए गीता को एकमात्र शास्त्र कहा। गीता को ही एकमात्र शास्त्र कहा क्यों? के साधनाते शास्त्र जिनका शासन मानने से, जिनका अनुशासन मानने से संसार की सागर से त्राण मिल जाता है। बिल्कुल सही बात। यदि गीता के ज्ञान को यदि हम अनुशासित कर ले, गीता के ज्ञान को यदि हम आत्मसात कर ले, गीता के ज्ञान को यदि हम अपने जीवन चक्र में उतार कर ले, तो सब प्रकार के शोक नए, सब प्रकार के दुख सब होते नए। इसलिए गीता को शास्त्र कहा गया। सब शास्त्र गीता के ही स्थान है, यही कहने का मतलब है। मैंने कहने का मतलब है कि जितने भी जो यहाँ पर शास्त्र है जगत में, सब गीता का ही विस्तार है। क्या कहना भाई? गीता भी शास्त्र है, बोले चाहे किना भी मंत्र है शास्त्र को, सब जो गीता का विस्तार है। और एक महाभारत के बारे में बता गया है कि महाभारत को पंचम वेद ऐसी ही कहा। जो महाभारत के अंदर नहीं है वो अन्यत्र कहीं पर भी आपको शास्त्र में नहीं मिलेगा, और जो अन्यत्र शास्त्रों में जो कुछ भी है वो सब महाभारत के अंदर, महाभारत का ग्रंथ है ना आपने, उसके अंदर सब कुछ है। कहने का मतलब सब जो ये महाभारत की जो रचना है वेद व्यास जी महाराज की रचना, और जो भी है यहाँ पर जगत के अंदर सब वेद व्यास जी महाराज की जुटन है, सब उसी की जुटन है। इसलिए यहाँ पर गीता शास्त्र के लिए एकमात्र शास्त्र बताया गया। साधना शास्त्र जो श्रीमद भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिनका अनुशासन मानने से, जिनको आत्मसात करने से, अनुशासन मानने से संसार सागर से प्राण माने मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक देव देव की पुत्री, एकमात्र देव हमें स्वयं प्रकाश परमात्मा ही देव की पुत्र श्री कृष्ण। एक देव देव की पुत्री, एकमात्र देव जी के पुत्र कौन है? जो स्वयं प्रकाश परमात्मा है, वो स्वयं प्रकाश परमात्मा श्री कृष्ण ही है। देव की मतलब एक बात ध्यान देना, देवकी का अर्थ क्या होता है? देवकी का अर्थ है शुद्ध सत्व गुण विशिष्ट प्रकाशशील अंतकरण ही देवकी। बात को समझना, देवकी का मतलब है कि जिनका हृदय, जिनका मन, जिनका चित्त, जिनका अंतकरण चित्त है, अंतकरण है शुद्ध सत्व गुण विशिष्ट है, जिनके हृदय के अंदर शुद्ध रूप से सात्विक गुण अवशिष्ट है, ऐसे उन सात्विक गुण हृदय के अंदर जो प्रकाशशील, जिन हृदय के अंदर प्रकाश है, ज्ञान है, समझ है, प्रकाशशील अंतकरण में ही परमात्मा होते हैं। जिनका हृदय शुद्ध सत्व गुण विशिष्ट, दूसरा प्रकाशशील, मानो एक बात है, मानो हृदय शुद्ध भी है, अब हमें क्या हो गया, वो तो मन रो बोलो है, मन रो बोलो है, वो तो ही तो है, अब चलो कोई बात नहीं, बहुत बोलो है, ही तो है, पर तो ज्ञान तो मन में कोई पाप हो, तो बोलता नहीं क्या कहते, परंतु चल कोई बात नहीं, मन रो बोलो है, तो है मन में कोई पाप हो नहीं, परंतु हृदय में ज्ञान है तो। इसलिए कहा कि शुद्ध अंतकरण विशिष्ट प्रकाशशील अंतकरण में ही परमात्मा प्रकट करता है। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा ही देवी के पुत्र है,
यहाँ पर देवकी का मतलब है शुद्ध सत्वगुण विशिष्ट प्रकाशशील अंतकरण हृदय। उस अंतकरण में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। एक बात ध्यान दें, कोई तालाब सरोवर पानी हो और पानी तालाब में पिंडा न माने गहराई में कोई अमूल वस्तु पड़ी जिन वस्तु को कोई मोल नहीं अड़ी वस्तु पड़ी पर तो तालाब मत है उन तालाब रे सरोवर रे पानी माते लील है भाई आ गई पानी की लील है माते कचरो आ गया तो उन पिंडर बाण को वस्तु पड़ी अपने नजर आवे नहीं आवे तो देखे। और यदि जो पानी जो तालाब है वो पानी एकदम शुद्ध है एकदम काच कंचन रहते हैं कोई मात्र भेद नहीं तो उन पानी की गहराई में बने कड़ी भी वस्तु पड़ी गई तो वो जो वस्तु वह तुरंत एकदम काच में निकल जाते हैं। इन्हीं तरह परमात्मा कोई कभी माधुरी कोट में कभी नहीं है कोई दूसरा लोक में नहीं है वो परमात्मा सब प्राणियों के हृदय रूपी कमल में विराजमान है। सब एक बात के लिए वो परमात्मा चेतन है उन चेतन परमात्मा के संग पाकर के उन चेतन परमात्मा को संग पाई न जो शरीर जिन्हें कहो के जड़ है और शरीर तो जड़ी है और जड़ शरीर भी जो परमात्मा चेतन परमात्मा को संग पाई उन्होंने आश्रय पाने उन्हें सानिध्य पाने जड़ भी चेतन वासे वो चेतन आत्मा सभी प्राणियों में नजर मानते हैं पहले श्री विराजमान परंतु अटे अपने उन मंत्र माने और पूजा करते को नहीं हृदय रूपी दुपहर मान बैठो सुखने बैठो हैं कोई प्रकाश दे रही हो सब कोई करवा रही है और तुमने कोई पुरुष नहीं दिया कोई पहचान नहीं रही सब उनकी सत्ता पाएगा शक्ति पाएगा इंद्रिया है सब काली है पीली है बूढ़ी है बूढ़ी है चलती है फिरती है कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया सब अपने अपने क्रिया काम करे मन चिंतन करे बुद्धि निर्णय करे परंतु उस चेतन आत्मा ने वे जान लिया और जो जान ले वो चेतन आत्मा ध्यान देना वो और कोई नहीं परमात्मा वो शुद्ध शुद्ध सत्व गुण विशिष्ट प्रकाशशील अंतकरण में ही परमात्मा प्रकट होते इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा ही देवकी के एकमात्र पुत्र है। तस्य यानी नामानी तानि कर तानि एकम अंतर उस परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण के जो जो नाम है उनमें से प्रत्येक नाम एक एक मात्र ध्यान देना भाई जो श्री कृष्ण भगवान के जो नाम है उनमें से प्रत्येक नाम एक एक मात्र मन नाम त्राय के जिनके मनन करने से संसार चक्कर का प्राण मिल जाता है वही मंत्र मंत्र का मतलब क्या है जिनका मनन करने से जिनका चिंतन करने से संसार चक्र से प्राण मिल जाए कोई मंत्र है वैसे तो भगवान के अनेक नाम है फिर भी देखो कई बार इस चीज को कहते हैं कि यूं सब नाम परमात्मा का है हरि का है हरि अनंत हरि की कथा अनंत हरि के नाम अनंत परंतु हम दीक्षा रूप में गुरु से अपन दीक्षा रूप में श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ में शरणागति के साथ में जो नाम प्राप्त करते हैं जो नाम को हम आश्रय लेते हैं जिनका अर्थ भावना के साथ तत्पर होकर के स्मरण करते हैं वो होते हैं
और शुभ है। यह यूसुफ नाम परमात्मा के है और जो भजन कोई पद कहलाता है जो गुरु से दीक्षा में प्राप्त नाम उस नाम को जितने हम श्रद्धा और विश्वास के साथ में प्रेम युक्त होकर के भगवान के किसी एक नाम को हासिल लेकर के देखो एक साधु सब सदे में सौ साधु सब जाए यदि इस तरह से एक नाम का हासिल लेकर के उसकी अर्थ भावना उस नाम की अर्थ के साथ में हम बड़ी भावना के साथ में उनके साथ में तद्गत होकर के एक रूप होकर के हम स्मरण करते हैं अर्थ के साथ में जैसे केवल हम रटते नहीं जैसे ओम नमः ओम नमो भगवते वासुदेव ये भगवान का मंत्र है शास्त्र सम्मत नाम है द्वादश अक्षर नाम है हर अक्षर अक्षर का नाम है ओम उसमें सबसे पहले आया है हम उच्चारण करते तो हमें ये भाव लेना चाहिए कि ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम सबसे छोटा है छोटे का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई अर्थ नहीं बहुत बड़ा भाव है इसके अंदर बहुत बड़ा गुड़ अर्थ भरा हुआ है ये ओम अ उ और म अकार उकार मकार तीन इसके अंदर अक्षर यू वैसे शिव पुराण के अंदर इसको इनके अंदर पांच बताया है अ उ म बिंदु और ना परंतु अपन यहां पर उनके अंदर इस पर ये तीन अक्षर और इस परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम नमः उस परमपिता परमेश्वर जो ओम साकार रूप से है यहाँ पर वही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ओम रूप से साकार रूप में उन परमात्मा को नमस्कार करते हैं ओम नमो भगवते जो भगवान है सर्वेश्वरी संपन्न है जो प्राणी मात्र के अंदर जो वास कर रहा है वासुदेवाय हम उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं इस तरह से अर्थ के साथ उनको जो स्मरण करता है और तद्गत होकर के तद्गत मन तद्रूप होकर के एकाग्रचित होकर के उसके अंदर अपने मन बुद्धि चित्त को तलीन करके इस तरह से करने पर वो मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है तद्गत का अर्थ समझना जैसे कई बार मैंने इस बात को उदाहरण लेकर के समझाया कि एक चेला था गुरु जी के पास में दो सत्संग में जाता था प्रवचन सुनता था प्रवचन सत्संग सुनते सुनते मन में वैराग्य पैदा हो गया वैराग्य पैदा हो गया तो उसने मन घर से उग गया तो उसने गुरु जी से कहा गुरु जी बस हम मेरे को मने घर के अंदर कोई रुचि नहीं मुझे आप अपना चेला बना दिए मैं बस अब भजन करना चाहता हूँ मुझे मेरा अपने आप का कल्याण करना है उद्धार करना है तो भाई संत क्यों मना करे भाई कोई व्यक्ति कोई जीव आने के वे तो संत का काम ही नहीं जीव को कल्याण की तरफ लगाना संत का काम ही तो का कोई बात नहीं बना तुमको दीक्षा दे दी उनको चेला बना दिया वो घर और गृहकारी कुटिया संत के पास में कुटिया बना करके रहता है अपने घास घास की कुटिया बनाई हुई पहले तो संत महात्मा ऋषि मुनि घास घास की कुटियों में रहते थे तो कुछ समय के बाद में महात्मा ने पूछा कि ठीकर भाई तारे साधन भजन बिना की खा ले गए मन बीजो तारे भजन में कथा में अब भजन में माला में भगवान के चिंतन में मेडिटेशन में लागे गए तो वो कह के बाद भी बाकी तो सब ठीक है किन्हीं वस्तु में मान मारो मन तो नहीं जाते घर किन्हीं वस्तु में मारो मन नहीं जाते घर में घरवाड़ी है
उनमें मारो मन नहीं जाते। घर में घनी बहुत सारा परिवार लोग हैं, परंतु उन परिवार में किन्हीं मने याद नहीं आ गया। घर में कई अच्छी अच्छी वस्तुआ थी, उन्हें कोई मने लालसा पहुंची, पर एक बार जी मारो मन उठे बार बार पर कटे जाओ गया के बाद इंसान भाई गेम जिन टाइम मैं गेम आयो मैं तो चिल्लो भनियो तो एक मारे घर होके एक बुरी बहन है पति बुरी बहन थी बड़ी डोरी की छोटी की वह भैंस एक टाइम तो 20 किलो दूध था कितो कोई दिन में तीन टाइम एक जन नहीं दो जन नहीं तीन जन तो इन बार में बाद में मारो पति कि मैं मन तो नहीं जा रहा है नहीं कोई लुगाई में मैं डांग में सगा समझे मैं भाई मन में कि मैं मानता नहीं जा रहा जब मैं सब अच्छी अच्छी वस्तुएं उन वस्तुओं में कोई मन जा और कोई भैंस ने मारो मन था भाई बात है कि ये बात के बाद भैंस एक टाइम तो 15 किलो दूध रखती और दिन में तीन टाइम दूध रखती तो वे लारे मैट आएंगे तो लारे पर टाप लिया उन भैंस ने बराबर बोटो देवे कि नहीं देवे घास देवे कि नहीं देवे उन्हें धूप जेम उन सेवा करे कि नहीं करे चलो घर तो कोई कोनी हमें हम भी सही जगह करे परंतु उन भैंस को दूध पूरा पूरा काटे कि नहीं काटे जिन बराबर के उठार भैंस में जीव जहाँ बात के बाद भैंस में जीवन के बाद तो कि नहीं तो भले आदमी आप बात उन्हें पहले की रहती तो मैं तने वो मो भगवत वासुदेव और नाम देते को तारो जी में मन लागे वो भी तारो मन लगाओ तो जन महाराज के बेटे सब प्राणियों में भगवान को रूप सब प्राणियों में भगवान को वास है इन वास्ते मैं तने जो कोण मो भगवत वासुदेव नाम दियो तो ने छोड़ दो अमर तुम रो तो यूं कर के तुम भैंस 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 देखो उन भैंस को तो पहले मन लग रहा हो ने गुरु महाराज के जो तो भैंस भैंस है तो वो गोपाल मां ने आपने जो कुटिया की कुटिया बैठ में पटे ओम नमो भगवते वासुदेव तो छोड़ दियो गुरु महाराज का के जो वेद की बात तो करनी वो तो वेद कली देख पुरन बड़ा सदा के गुरु महाराज ने तो वेद बात मांग लियो वो के बैठो बैठो भैंस 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 इंतर रटन करतो करतो एक दिन गुरु महाराज हवाज लगी आपने कुटिया बैठो वो भजन माला बोल तो तो बेस 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 और मनो मन मन के तीन तो तली ले गयो बेस मान तो के बेस में तो करियो मन अटके रहो यो ने वे गुरु महाराज ने कह दिया मेरी नामे दिन और रात में बेस 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 से कट करे तो एकदम गुरु महाराज को मार उपा बैठो हवाज दी क्या चेला बाहर आओ तो चलो सुनियो गुरु महाराज की आवाज तो चेलो ध्यान दीजिए वो चेलो भैंस भैंस रट कर दिया तो वो भैंस भैंस रट कर तो करते वो अपने आप में पर मन ला गयो कि मैं तो भैंस हूँ वो अपने आप में भैंस मन बैठ गई गुरु जी आवाज कह के बेटा बारे आओ तो वो चेलो कुटिया मुझे आवाज देने कि गुरु जी बारे की कर आऊ गुरु जी मैं बारे की कर आऊ के मार तो सिंगड़ा हट गए सिंगड़ा सिंह के तुम हट गए हमें कोई सिंह आया बोले परंतु वो अपने आप में भैंस मान बैठ वो अपने आप में कहे भैंस मान बैठ गयो और कुल कारण वो अपने आप में भैंस मान बैठ गयो तो भैंस से हिंदा लगे हम गुरु की आवाज दे देते बेटा बाहर आ कुटिया रो क्या कर चोक वो कह गुरु जी बाहर की तरफ मार भैंस हिंगड़ा आ गया तो केवल मतलब है इन तरह तलीन रहे तलीनता इन तरह रहे कि उसमें अपने आप में तलीन हो जाए तो भगवान गरीब बड़ी श्रद्धा के साथ जिसके मन करने से संसार चक्र में त्राण मिल जाता है उसको मंत्र वैसे ही भगवान के अनेक नाम है श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ भगवान के किसी भी एक नाम को जो गुरु से दीक्षा रूप में प्राप्त नाम है उस नाम का आश्रय करके बड़े अर्थ के साथ में तलीनता के साथ में तद्गत होकर के यदि हम स्मरण करते हैं तो तुरंत मुक्ति को प्राप्त होता है।
जय हो। अब ठीक कहो के बाल जी यूं पर बैस बैस रहते हो कोई ना कोई झगड़ा मान ले अपना आपने बैस मान ले आज बात की ना एक जोड़ तो एक बात समझो अरे आपस में कभी घर में दौड़ झगड़ा करो भाई झगड़ो रहने में फर्क मतलब कोई भी कह दे रहे तो तुरंत एक दाल पूरा कर रहे हो कि तुम मने यूं कीजिए कह दियो पर मैं अड़ी हूँ क्या हम तो अड़ी थे पूरी अरे थे पूरी पर तो अपना आपने मान लियो मान के खड़ी की और दाल पूरा दे दी दाल पूरा तो दे दी है तो अपने आपने मान ही दे दी जब एक जो लड़ाई झगड़ा रहा माने सात दिन महीने में जो एक दूसरा को ये दे जितने में आदमी तो बापरे बाप जिनकी कोई सीमा जिनकी कोई तो एक मिनट उधर तो ना रूप दे मान तो ना दे चले झगड़ा मत तो ना मिल जितने में इतनी एक कम रह जा दादा तो कि जो बड़ी श्रद्धा रह साथे कोई बड़ा समर्पण रह साथे जो बड़ा विश्वास के साथ है जो बड़ो सनातनी के साथ है जो दलील लेने यदि परमात्मा रो नाम लेवे वो पूरी परमात्मा रूप प्राप्त ते मारा सतगुरु को समाना हित पकड़ कर लाओ अरे गुरु शब्द ना फोन करे जो सदा के साथ कहने का मतलब है भाई कि ये जो गीता शास्त्र है तस्य देवस्य सेवा अपि एकम कर्म उसी दिन पर शिव प्रकाश परमात्मा की सेवा ही मनुष्य जीवन का एकमात्र यथार्थ कर्म है अन्य सब कर्म संसार बंधन का कारण होते हैं ध्यान देना परमात्मा की सेवा ही अपने मनुष्य जीवन का यथार्थ कर्म है परमात्मा की सेवा ही एकमात्र जीवन का यथार्थ कर्म है बाकी सब संसार के बंधन का कारण है बाकी सब बंधन के कारण है अब एक बात समझो भाई भगवान की सेवा ही संसार बंधन से मुक्त करता है अब भगवान की सेवा का मतलब क्या है अपने जो भी परिवार संबंधित जो कर्म है परिवार संबंधित जो कार्य है उन कार्य उन सब कार्य को आप परमात्मा की सेवा ही मानो अपने परिवार के जो भी कार्य है उसको परमात्मा की सेवा ही मानो कि परमात्मा ने हमको इस ये कार्य करने का सेवा दी है हम परमात्मा की सेवा कर रहे हम किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं कर रहे जैसे हम अपने घर में अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं तो वहां पर ये समझे कि ये परमात्मा ने हमको सेवा की है इस वृक्ष को इस पौधे को लालन पालन करने का एक बात सुन लो मैं नहीं होता तो क्या होता इनका पालन पोषण नहीं होता सब होता है आदमी अपने कर्म लेकर जाता है सब अपने अपने कर्म बाकी से और तो अपन को निमित्त बनाए भगवान हम अपने उनकी परमात्मा की सेवा ऐसा समझ करके हम उनकी बाल बच्चों का हम पाठ कर सकते हम ये भाव में रखे कि ये बड़े होंगे मैं इन्हें जो पढ़ाऊं अच्छा हाँ पढ़ाऊं ना अपन घर में अपन पढ़ाएंगे उनको अच्छी शिक्षा देंगे अच्छा ज्ञान देंगे अच्छा संस्कार देंगे उनको कार्य के अंदर उसको पांव पर खड़ा भी करेंगे और तो इस भाव से नहीं कि ये बड़ा रे मैंने मैंने भारी सेवा कर बूढ़ा भारी भारी लाकड़ी नहीं हाँ ठीक है अपन अच्छी सेवा करेंगे तो अपनी यदि उनके अंदर अपनी मांग होगी तो अपना आप करेगा और नहीं है तो कितने भी ये कर दो तो उस यदि परिवार में परिवार कोई जरूरी नहीं तो आप इसे पर तो हम अपने आप में अपना जो कर्म है इसी तरह से माता पिता है सासू ससुर है परिवार में जो बूढ़े बुजुर्ग है हम उनकी सेवा करें ऐसा नहीं कि वो करता है मैं क्यों करूं इस तरह से भाव से नहीं कहने का मतलब है जो भी कर्म है
उस कर्म को परमात्मा की सेवा मानते हैं। इस तरह से कर्म सब करे पर तो सर्व कर्म फल की आकांक्षा को क्या कि मैं इस कर्म को कराऊं, कर्म का क्या फल मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की भावना नहीं रख करके भगवत सेवा भाव से अपने भगवत प्रति अर्थ भगवान की सेवा समझ करके ये समस्त कर्म करे और उस कर्म फल को चाहनी करे और वो सब फल परमात्मा को अर्पण कर दे। इस तरह से किया गया कर्म वो जीव को कल्याण करा। इसलिए तस्य देवस्य देव सेवा अपि एकम कर्म। उसी देव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण की एकमात्र सेवा करना ही हमारा यथार्थ कर्म है, वही संसार बंधन से मुक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह से भाव से यहाँ पर जानना गीता शास्त्र के इस माध्यम को बताया। इनके बाद में ये गीता शास्त्र सभी प्रकार के शोक आदि को नष्ट करने वाली श्रीमद् भगवद गीता के महाभारत के ज्ञान देना कहने जब कौरव और पांडवों के बीच में 10 दिन तक युद्ध चला, कितने 10 दिन तक, और 10 दिन तक युद्ध जब चला और उस युद्ध के अंदर रोज एक कौरव दुर्योधन का एक भारी बना कौरव की मंत्री इधर विष्णु पितामह उस महाभारत के युद्ध के अंदर वो भी मारे जाते हैं। जिस विष्णु पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था कि बिना इच्छा के उनकी मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती, ऐसे योद्धा भी जो कौरों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे अर्जुन के तीरों से उनका रोम रोम बीता गया, एक एक शरीर का रोम बीता गया और उस वाणों से गायब होकर के विश्व पितामह रणभूमि के अंदर गिर गए, मूर्छित होकर के पड़े गए। जब ये घटना घटी तो वहां पर धृतराष्ट्र, उस धृतराष्ट्र ने जो ये घटना सारी बता रहा था संजय, तो संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि हे राजन, विष्णु पितामह शेष शय्या के ऊपर गिर गए। ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो एक धृतराष्ट्र को कौरव का जो पिता था दुर्योधन आदि का, उस धृतराष्ट्र को एक धारणा थी, एक ऐसी मान्यता थी जब युद्ध होने का समय आया तो किस जगह पर युद्ध हो तो उस धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को चुना था, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र चुनने का उनका एक अभिप्राय था कि कुरुक्षेत्र एक धर्मभूमि है, पुण्य क्षेत्र है, वह अनेक ऋषियों और देवताओं ने तप किया, इसलिए वहां पर उस देवभूमि पर पुण्य भूमि पर जब ये पांडव लोग पहले से तो धर्मात्मा कही है और यदि वहां पर जाएंगे तो और उनकी भावना जागृत हो जाएगी तो ये युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध छोड़ करके चले जाएंगे और विनाश कर जाएगा धृतराष्ट्र की धारणा थी। इसलिए वहां पर कुरुक्षेत्र को उसने युद्ध के लिए चुना। दूसरी बात ये भी थी कि दुर्योधन आदि दुष्ट था, मानो इस धर्मभूमि पर जाने पर धृतराष्ट्र ने कहा मेरे पुत्र दुर्योधन आदि वैसे दुष्ट है, मानो पुण्य भूमि का चित्त भूमि का वहां जाने पर इनका हृदय बदल जाए और कौरवों का अब पांडवों का जो राज्य है उनको वापस दे दे या कुछ
और कोई कैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि पांच धाम दे दे तो सैत्र दे दे तो सैत्र युद्ध कर जा विनाश कर जा तो वहां पर धृतराष्ट्र ये सब दोनों बातें सोच करके वहां पर कुरुक्षेत्र को जो पुण्य क्षेत्र है धर्म क्षेत्र है उसको युद्ध के लिए परंतु व्यक्ति की जरूरत है कि अपन जो धारणा बना ले अपने जो मानता मन वैसा हुए जब वहां पर ऐसा नहीं हुआ और 10 दिन तक युद्ध हुआ और फिर 10 दिन युद्ध के अंदर रोज एक कौरव भी मर रहा था और उसी बीच में 10वें दिन विष्णु पितामह से सहयापर पूरा शरीर उनका विभिन्न चिन्ह चिन्ह हो गया और युद्ध के अंदर मूर्छित होकर के पड़ गए। और ये बात संजय ने धृतराष्ट्र को बताया तो वहां पर धृतराष्ट्र संजय से कहता है ध्यान देना ये श्रीमद भगवद गीता ही नहीं सी पार के हे संजय ऐसा क्या हुआ रणभूमि के अंदर युद्ध क्षेत्र के अंदर ऐसा क्या हुआ। तो यहां पर ध्यान देना धृतराष्ट्र जो अंधा है उनका मंत्री है संजय एक बात समझना बेटा जब महाभारत की तुलना बिल्कुल निश्चित हो गया अब इसको डाले नहीं कर सकता तो उस समय वेद व्यास जी महाराज धृतराष्ट्र के पास में आए तो वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे धृतराष्ट्र अब इस युद्ध को कोई नहीं डाल सकता बोल तेरी क्या इच्छा जो तेरी इच्छा तो मान। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि धृतराष्ट्र ने संजय मान वेद व्यास ने कहा कि मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूं उस दिव्य दृष्टि से पूरे युद्ध को देखना। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे वेद व्यास जी महाराज हे ऋषिवर जिनके शरीर को मैंने अभी तक देखा ही नहीं जो मैंने उनको वाणी से सुना उनको और सुनने का ही मैं आगे और सुनने से ही मैं उनको पहचानता हूं तो अब मैं इनको युद्ध के अंदर पहचानूंगा कैसे तो मैं पहचाने पाऊंगा इसलिए मुझे कोई दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए मेरे को तो आप तो फिर युद्ध के अंदर कौन क्या कर रहा है ये सुनने को मेरे को तो सुनना है। तो वहां पर वेद व्यास जी महाराज ने जो धृतराष्ट्र के जो मंत्री था संजय बड़ा साधु पुरुष था वो सज्जन पुरुष था उनको दिव्य दृष्टि दी और उस दिव्य उस संजय के अंदर ऐसी शक्ति दी वेद व्यास जी महाराज की कृपा से कि वो कौन दिन और रात सब घटना को देखता दिन और रात बहुत गुरुतर शिविर था उनका धृतराष्ट्र का और उस शिविर में बैठे बैठे युद्ध के लंबे चौड़े मैदान का फिर कौन क्या कर रहा है और किसके साथ में युद्ध कर रहा है कैसे बात कर रहा है पूरा पूरा वृत्तांत को देखता था और वो उसको सुना था धृतराष्ट्र दिन और रात कोई थकावट नहीं थी एक विद्यत महाराज की कृपा थी यहां तक कि संदेह दूसरे मन के अंदर क्या हो रहा है मन में क्या वे विचार करें कल युद्ध के लिए यहां तक वो विचार जान लेता है उनके अंदर वो शक्ति थी संजय के तो संजय ने वहां पर जब कहा कि युद्ध के मैदान के अंदर भीष्म पितामह धराशायी हो गए इसको सुनते ही
वहां पर धृतराष्ट्र यहाँ पर संधि से कहता है और यहीं से गीता का प्रथम अध्याय था। ओम श्री परमात्मने नमः। अत प्रथमोध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे गुरु क्षेत्रे समवेतायुस्तव माम का पांडवास्तेव किम अकुर्वत संचय। श्रीमद् भगवद गीता, ये श्रीमद् भगवद गीता का पारण है। अतः प्रथमो अध्याय गीता का पहला अध्याय कठा अध्याय है, जिनको पहले पाठ चालू हुआ पहला अध्याय है। इस पहले अध्याय के अंदर धृतराष्ट्र हुआ था, धृतराष्ट्र जो कौरों के पिता है वो यहां पर बोलता है, वाचन बोलता है। क्या कहता है? धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र सब विताई सब हे संजय, जो युद्ध की इच्छा से युद्धव युद्ध की इच्छा से समवेता माने जो युद्ध हुए कौन माम का पांडवा मामू का मतलब मेरे पुत्र। देखो धृतराष्ट्र क्या कहता है अपने दुर्योधन आदि अपने पुत्रों के लिए माम का मेरे पुत्र, और अपने भाई जो है पांडु उनको कहता है पांडवाश्च पांडु पुत्र, जो पांचों पांडु है धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल पश्चादी कहते कि ये माम का मैंने मेरे पुत्र और मेरे भाई के पुत्र जो इकट्ठे हुए थे समय वेता मैंने जो इकट्ठे हुए थे कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो धर्म भूमि है पुण्य भूमि है उस धर्म क्षेत्र धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में किसने इकट्ठे हुए थे युद्ध करने की इच्छा से युद्ध करने के लिए जो इकट्ठे हुए थे कुरुक्षेत्र के अंदर संदेह बड़े आश्चर्य के पास आश्चर्य के साथ पूछा, क्योंकि उनको तो पता था कि मेरे पुत्रों के साथ में गुरु द्रोणाचार्य हैं कृपाचार्य हैं विष्णु पितामह जिनको बिना इच्छा के पास में मर्द तक नहीं आ सकते कम जैसा योद्धा है, और वैसे भी कौरों की सेना पांडवों की सेना की अपेक्षा संख्या में बहुत बड़ी थी कई गुना ज्यादा थी। इसमें भी कई ऐसी बातें थी जिन बातों के कारण धृतराष्ट्र को तो ये बिल्कुल मन में दृढ़ विश्वास था कि इन युद्ध माने मारे डबले जीत ए कौर लोग मारे नहीं कौर लोगों ने पराजित रहे पराजय रहे तुम्हारा बेटा जीत। अब उनकी पहली सुई एक धारणा बनाई हुई पहली एक मान्यता बनाई हुई थी एक समझ बना रखी थी। जब उन्हें विपरीत धारणा विपरीत वहां घटना घटी अरे विष्णु पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ वो अर्जुन के बाणों से तीरों से विदीर्ण होकर के युद्ध के मैदान में भय होकर के मरणासीन होकर के शेष शय पर लड़के पड़ गए भय हो गए। जो ये सुना एकदम धृतराष्ट्र को बड़ा शोक लगा बड़ा उनको झटका लगा और कहा कि अरे क्या हुआ सर मैंने तो ये तो सोचा ही नहीं था ये कैसे हो गया कि अब कुरुत संजय अरे संजय ये क्या हो गया। बड़े आश्चर्य के साथ पूछा कि ये क्या हो गया कि मैंने तो बहुत कुछ धारणा बना रखी थी बहुत कुछ इस युद्ध की मेरी मान्यता थी पहली बात तो युद्ध होगा ही नहीं क्योंकि मैंने धर्म कुरुक्षेत्र को चुना युद्ध के लिए चाहे पांडव है चाहे कौरव है कोई भी वहां पर किसी ना किसी का तो मन बदलेगा और चलो मानो युद्ध भी रह गई तो हमारे छोकरा हाथ तक तो भीष्म पितामह है गुरु द्रोणाचार्य है कृपाचार्य है कर्ण जैसे महान योद्धा है। और दूसरी बात तो भीष्म पितामह का जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है उन्होंने तो पण कर रखा है हस्तिनापुर की सुरक्षा का
ऐसा हो नहीं सकता था, परंतु हुआ कुछ था विपरीत। जब विपरीत वहां पर घटना घटी तब वहां पर सत्य ने कहा कि धर्म क्षेत्र गुण क्षेत्र समवेता विश्व मामता पांडवास्ते और किम अंगुरुद ज्ञान देना। ये जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र वही देव यज्ञ, कुरुक्षेत्र ही देवों को सर्वत ब्राह्मण में कहा गया है, ज्ञान देना। जवाल सुख भी इन कुरुक्षेत्र के बारे में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। इन कुरुक्षेत्र के बारे में थोड़ा समझना, धर्म क्षेत्र एक कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र में है। क्षेत्र का अर्थ होता है खेल, क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, खेल होता है। जिस प्रकार का विद्यमान सस्य अनाज की उपज का कारण होता है, उत्पन्न सस्य ही वृद्धि का कारण होता है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र अनुपम धर्म की उत्पत्ति और उत्पन्न धर्म की वृद्धि का कारण है, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र का मतलब होता है खेत, क्षेत्र का मतलब क्या होता है खेत, और खेत के अंदर क्या होता है अब विद्यमान सस्य मन अनाज, और वो सस्य अनाज और विद्यमान सस्य अनाज, अनाज की उपज का कारण है। अनाज कैसे उगते खेत में, तो उगते क्या आकाशो होंगे खेत में, तो क्या करे कोई आकाशो में, तो क्या करे। इन्हीं तरह खेत के अनाज की उत्पत्ति का स्थान खेत है, उत्पन्न सस्य की वृद्धि का कारण भी होता है, और जो खेत उगियो धान उगो तो धान कटे बढ़े, धान पके कटे खूब पुराने बड़ो रह गए पके कटे पके धरती माते पके। तो ये जो क्षेत्र है खेत है, वो खेत अविद्यमान अनाज की उत्पत्ति का कारण भी है और उत्पन्न अनाज का वहां पर वृद्धि का कारण भी है। जो खेत अनाज उगियो उन खेतों को भी जिनमें अनाज वृद्धि हो बटवा रो वो कारण भी है, इसलिए उसी प्रकार इन्हीं तरह जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में उत्पन्न धर्म की उत्पत्ति होती है, जो कुरुक्षेत्र है धर्म भूमि है, उठे कुरुक्षेत्र मान कोई यदि यज्ञ करे दान करे तप करे जब करे उन्हें बहुत कुछ फल मिला, घणो फल मिला, इसलिए मात्र कहा कि कुरुक्षेत्र अनुपम धर्म की उत्पत्ति और उत्पन्न धर्म की वृद्धि का कारण। कुरुक्षेत्र जो है अन्य उत्पन्न धर्म का क्षेत्र है, जो अनुपम धर्म की उत्पत्ति का कारण है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जाकर के यदि अपन कोई दान करते हैं जब करते हैं तब करते हैं कोई पुण्य कर्म करते हैं तो वहां पर धर्म की उत्पत्ति होती है, धर्म की क्या होती है उत्पत्ति होती है, और उत्पन्न धर्म की वृद्धि का भी कारण है। जो वहां पर धर्म उत्पन्न हुआ, जो हमने धर्म किया है उस धर्म को और बढ़ता है और वृद्धि को प्राप्त करता है, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा। कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया धर्म क्षेत्र। जवाब श्रुति है उसमें कहा गया कि बृहस्पति वाच याज्ञवल्य यजनम कुरुक्षेत्र देवानाम देवयज्ञम सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम। मतलब बृहस्पति ने याज्ञवल्क्य ऋषि से कहा कि प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र देव गुणों के देव प्रकृति संपन्न व्यक्तियों के देव यजन मन यज्ञ आदि धर्म के अनुष्ठान की भूमि है और वह समस्त जीवों के ब्रह्मसदन मन यज्ञ भूमि होने के कारण सभी इष्ट प्राप्ति का साधन। बृहस्पति भगवान यज्ञवल्क्य ऋषि को कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र है ये कुरुक्षेत्र देव गुणों के माने देव प्रकृति के संपर्क में है। हम ध्यान देना कुरुक्षेत्र के अंदर जो देव प्रकृति के प्राणी है, देव प्रकृति से युक्त जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों के लिए देव यज्ञ माने यज्ञ आदि धर्म के अनुष्ठान
वास्तव में कुरुक्षेत्र वो क्षेत्र है वहां पर मेरी इच्छा न थी, वहां पर रहना चाहिए। मेरी इच्छा थी अपना अभी तक चार धाम की यात्रा हुई नहीं, वहां पर कथा हुई नहीं, तो इन चार धाम के बाद में मेरी इच्छा थी कुरुक्षेत्र के अंदर कथा का, क्योंकि ये धर्म भूमि, ये पुण्य भूमि है। वहां पर जो देव संपत्ति वाले पुरुष हैं वहां जाकर के यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, और उनका उससे वहां से धर्म की उत्पत्ति होती है, और उत्पन्न ही धर्म उत्पन्न नहीं वहां धर्म वृद्धि को भी प्राप्त होता है। ऐसा यज्ञवल ऋषि को वहां पर बृहस्पति भगवान ने कहा है, यहाँ पर जवाब श्रुति कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर उस देव ये समस्त जीवों की ग्रंथ सदन पर यज्ञ भूमि होने के कारण इष्ट प्राप्ति हेतु है। सप्त ब्राह्मण में भी कहा गया है कुरुक्षेत्र कई देव यज्ञ, कुरुक्षेत्र ही देवों की यज्ञ भूमि है, ये देवों की यज्ञ भूमि है। तो इस तरह से यहाँ पर उस भानों को लेकर के देव भूमि है, वहां युद्ध होगा तो मेरे पुत्र साहित्य उनका हृदय बदल जाए और पांडव को उनका राज्य उनका हिस्सा वापस दे दें, या पांडव लोग वहां जाएंगे तो उनकी बुद्धि परिवर्तित हो जाए और वे लोग ही युद्ध को छोड़ दें, रणभूमि को छोड़ दें तो युद्ध नहीं होगा। पर वहां पर जब विपरीत हुआ, वहां पर युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर वहां पर भीष्म ने तमाम उचित होकर के पड़े, तब वहां पर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे सजय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सम्मेलव माम का पांडवास्त्री व किम हे संजय वहां पर युद्ध भूमि जो कुरुक्षेत्र है धर्म भूमि है वहां जो बिगटे हुए मेरे पुत्र और पांडव क्या किया किम अब कुरु संजय क्या हुआ, तब उस बात पर पूछा आश्चर्य के साथ में, तो संजय वहां पर बड़े भाव के साथ वहां संजय धृतराष्ट्र का क्या पुत्र रहते हैं उसको अपन कब देखेंगे। गीता बड़ा सुंदर प्रसंग, एक एक चीज यहाँ पर बताई जाए। ये तो पहले ये पहला अध्याय है गीता का पस्तावना है, गीता की एक भूमिका है। देखो भाई कोई बात किमी कह नहीं रहे कि नहीं अपन करे कोई जावे कोई किमी बात कर यही तो जाते ही कोई बात कर तुम बात का असर उठे जाओ उन्हें खुद जब एक ठीक कर रहे होरा हो छोरा हो कोई तरिया हो थोड़ी दूसरी बातों में लगाए बच्चे उठे बैठ बच्चे धीरे 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 बात में मोड़े तो वाह भाई अगर बात कर रहे हो भूमिका है आप प्लेटफॉर्म बना। तो इन्हीं तरह आगे गीता और पहले अध्याय है गीता को उपदेश दे रहा भगवान कृष्ण पर तुम्हें तो वो सब एक भूमिका प्रस्ताव और सुंदर एक एक चीज को इसमें समझ लेंगे यहाँ पर तो आगे और सरल होगा और भी कल क्या है संजय क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे। आज की कथा यहाँ पर विश्राम देते हैं, कथा का जो समय है 1 बजे से जागते हैं अपन 1 बजे से शिव मंदिर स्तोत्र के ऊपर श्रावण मास है और श्रावण मास में शिव की जो महिमा है उनका जो चिंतन है वो उत्तर है और उनके बाद में यहाँ पर गीता के ऊपर प्रवचन अपने बारे में हम हो रहे हैं होते हैं। तो ये 3 घंटे के अंदर गीता और शिव मंदिर स्तोत्र के ऊपर कथा होगी। आप सभी लोग एक बात ध्यान दें माता बहन आप आइए समय पर आवे थोड़ा सा आप दूरी बना हुआ है अपन दूरी बना करके नहीं रहते आगे ला रहे ना जरूर पड़ी तो कहें खा रहे एक दिन आप ला रहे एक दिन ला रहे आगे ला रहे ना थोड़ी देर बाद क्यों ना बैठे इन तक छेटी रात कल मानो कोई आ ही जा रहे तो मैं छाती टोक तो ए अटवाए करो भाई देखो मारे कितना दूर दूर बैठा है भगवान आज के जो प्रचार है श्रीमती मिश्री बाई धर्म पत्नी बोमाराम जी के रो नरसिंहपुरा उनकी तरफ से आज का प्रसाद है। इस ज्ञान सत्र के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद भगवान की कृपा अपन सबकी शुभकामना प्राप्त करे। बोले कृष्ण भगवान जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ हे नारायण जय वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे।
Oh, my God.